मुगल सिपाही आश्रम की तरफ आ रहे। क्यों भला? मुगल सिपाहियों का यहाँ क्या काम? मुझे तो कुछ बुरे की आशंका हो रही है। कुछ बुरा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। और वैसे भी यदि कोई विपदा आने भी वाली होगी तो उसके विषय में पहले से चिंता करके क्या लाभ? हमें तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? बादशाह सलामत ने खुद आपके लिए तोहफा भेजा है, मंजूर कीजिए। मैं कुछ समझा नहीं, आपके बादशाह ने मेरे लिए ये उपहार क्यों भेजे? उस दिन आपका चमत्कार हमने भी देखा था और हमने ये बात बादशाह सलामत तक पहुंचा दी थी कि आप एक चमत्कारी बाबा हैं। तो बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, अपने दरबार में वो आपको जगह देना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ भक्त मात्र हूँ, उनका दास हूँ। मैं ये उपहार नहीं ले सकता, मुझे धन में कोई रुचि नहीं है। भक्ति ही मेरा धन है, वही मेरे आभूषण। आप जानते हैं बादशाह सलामत ना कहने वाले को क्या सजा देते हैं? चुपचाप ये तोहफे रख लीजिए और चलिए हमारे साथ बादशाह सलामत के पास। मेरे लिए मेरे प्रभु श्री राम ही मेरे बादशाह हैं, वही मेरे मन के राजा भी। मैं आपके बादशाह जी का आदर करता हूँ। यदि वो यह हमारे आश्रम में आएंगे तो हम उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर के बुलावे को मना कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत! माफ कीजिए बादशाह सलामत, संत आदमी है वो। बादशाह के औहदे की जो इज्जत ना करे उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। बंदी बना के लिए आओ, अभी जाओ। जी हुजूर। बादशाह के हुक्म की तामील नहीं करने वाले को तो सजा मिलकर रहेगी। आप इनका हाथ क्यों बांध रहे हैं? जो भी बीच में आएगा वो भी सजा पाएगा। सुनो भाई, मुझे बांध कर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपनी स्वेच्छा से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए, किंतु ये मत भूलिएगा कि आप हमारे बंदी हैं। तो इतने महान राम भक्त को भला बंदी बना के कैसे ले जा सकता है? मित्र, ऐसा प्रथम बार तो हो नहीं रहा। भूल गए, लंकापति रावण ने भी स्वयं प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को बंदी बनाने का प्रयास किया था। जब स्वयं बजरंग बली के साथ ऐसा हो सकता है तो मैं तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। आप यहाँ पर खड़े रहकर बातचीत करने में हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, चलिए। सदा स्मरण रखना, वही होता है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। होई ही सोई जो राम रचित राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। चलिए। ये तो संत तुलसीदास जी ने वही कहा जो सदैव कहते आए। होगा वही जो प्रभु श्री राम ने रच रखा। व्यर्थ की चिंता या तर्क वितर्क कर हमें अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे हुक्म को नहीं मानना एक गुनाह है और हमारे हुक्म की तामीर जो ना करे उसे हम मनाने पर मजबूर कर देते हैं। क्यों, सही है ना संत महाराज? होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे। जहां पना ये कहना चाहते हैं, भाषा हम भी जानते हैं, इनकी बात भी समझ आती है, मगर हमारे दरबार का दस्तूर क्या है शायद इन्हें पता नहीं। हमारे दरबार में जो भी आता है बादशाह के सामने सर झुकाता है। मेरे राजा तो प्रभु श्री राम, यदि वो मेरे समक्ष आएंगे तो मेरा ये शीश अपने आप झुक जाएगा।
तो इन सिपाहियों ने सही कहा था। आप हमें बादशाह नहीं मानते। आप इस साम्राज्य के बादशाह हैं, परंतु जिस सिंहासन पर आप विराजमान, उस पर आपसे पहले कोई और बैठता था, और आने वाले भविष्य में आपके स्थान पर कोई और बैठेगा। पर मेरा शीश तो केवल उन्हीं के सामने झुकता है जो मेरे मन मंदिर के सिंहासन पर विराजमान है। वो जो अजर है, अमर है, अनंत, संपूर्ण जगत के स्वामी है, मेरे प्रभु श्री राम है। वही हम सबके राजा हैं, वही हम सबके स्वामी हैं। उनके समक्ष हम सभी भिक्षुक के समान हैं। मैं भी और आप भी। इतनी गुस्ताखी, जहां पनाह के दरबार में खड़े होकर उन्हें ही भिक्षा मांगने वाला बुला रहे हो। रुक जाओ, मोगलिया सल्तनत के बादशाह के दरबार में खड़े हो तुम, फिर भी तुम्हें हमारी हैसियत का अंदाजा नहीं हो रहा है। लगता है तुम्हारी आंखों पर तुम्हारी भक्ति की पट्टी बंधी हुई है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी सजाए मौत दे सकता हूं, मगर तुम्हें जिंदा रखने की एक ही वजह है। मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम सच में मुर्दे में जान फूकने का चमत्कार कर सकते हो? बादशाह जी, चमत्कार तो मेरे प्रभु श्री राम करते हैं। मैं तो उनका तुच्छ भक्त मात्र हूं, केवल उनकी भक्ति करता हूं। ये जो राम नाम की जो धुन तुमने लगा रखी है, ऐसी क्या खासियत है इस राम नाम में? राम नाम कली काम तरु, राम भक्ति सुरधेन, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेनु। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कलयुग में उस कल्प वृक्ष की भांति है। प्रभु श्री राम का नाम सभी मनोरथ पूरे करने वाली कामधेनु की भांति है। प्रभु श्री राम का नाम संसार में सभी मनोरथ पूरे करने वाले सदगुरु के चरणों की रज के समान। तुम्हारा मतलब तुमने नहीं, राम नाम ने उस मरे हुए आदमी को जिंदा किया था, तो ऐसा है राम नाम को भी तुम्हें मेरी सजा से बचाना चाहिए। कहो, होगा ऐसे? राम नाम लेकर तुम मुझसे बच सकोगे? मेरी रक्षा के लिए प्रभु श्री राम के नाम की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए तो प्रभु श्री राम के परम भक्त प्रभु श्री बजरंग बली का स्मरण ही पर्याप्त होगा। अच्छा, तो ले लो उनका नाम, बचा लो अपने आप को। बेड़ियों में जकड़कर डाल दो इसे कैदखाने में, इस पड़ बोले संत को।
जाओ इसे। हुजूर, हुजूर, हुजूर। जहां पना जबरदस्ती वो लोग हमारी छावनी में घुस आए हैं, जैसे हम पर हमला किया गया हो। हुजूर, बादशाह सलामत, उन्होंने कारखाने के दरवाजे उखाड़ कर फेंक दिए। हुजूर, चारों ओर से घेर लिया उन्होंने, किले पर टूट पड़े हैं जहां पना। कौन है जो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? किसकी हिम्मत हुई है? बानरों ने जहां पना। ये क्या हो रहा है? भाइयों, रोको इन्हें। आखिर को रोकता क्यों नहीं इन्हें? ये सब क्या हो रहा है? जहां पना, जिन भगवान का गुणगान तुलसीदास कर रहे हैं वो वानर श्रेष्ठ राम भक्त हनुमान जी हैं। शायद इसलिए ये वानर यहां पहुंच गए हैं। तुलसीदास आजाद होंगे तभी इनका गुस्सा कम होगा और इनका हमला बंद हो जाएगा। छोड़ दो उन्हें, आजाद कर दो तुलसीदास को, छोड़ दो। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका क्रोध शांत हो गया। आप सबने प्रत्यक्ष रूप में प्रभु श्री राम की महिमा देख ली, बजरंग बली का प्रकोप भी देख लिया। अब वो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। आप जैसे भक्त की भक्ति पर शक किया हमने। इस जहां के आगे जो जहां है उसके बादशाह के बादशाहित को नहीं समझ पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझसे जो गलती हुई है उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? भविष्य में कोई भी भक्त
यदि अपने प्रभु की भक्ति में इस प्रकार तल्लीन तो उसकी भक्ति का अपमान कभी मत कीजिएगा। और हाँ बादशाह जी, आज आपके जिस महल पर प्रभु बजरंग बली की वानर सेना ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसका नाम भी आप प्रभु श्री राम के नाम पर ही रखिएगा। उचित है। इस प्रकार तुलसीदास जी की रचना के कारण बादशाह को भी वो किला त्यागना पड़ा और भक्ति रस से पूर्ण जो 40 चौपाई वाली रचना उन्होंने रची उसका नाम पड़ा हनुमान चालीसा। तुलसीदास, तुम्हारी इस रचना की जितनी भी मैं प्रशंसा करूं वो कम है। प्रभु के प्रति मेरी भक्ति को तुमने इतने सुंदर और सरल शब्दों में पिरोया है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तुम्हारी ये रचना तो तुलसीदास सदैव मेरे हृदय के निकट रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे द्वारा रची गई मेरी इस चालीसा का आज के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से पाठ करेगा मैं उसके संकट अवश्य दूर करूंगा। प्रभु, मैंने आज तक अपने जीवन में जो भी किया है वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से और स्वयं आपके मार्गदर्शन से ही किया है। तो आज आपसे एक बार पुनः ये विनती है इस भक्त की कि मेरा आगे का मार्ग भी प्रशस्त करें और मुझे बताएं कि मुझे अब आगे क्या करना है। बस तुम इसी प्रकार राम नाम का प्रचार करो, भक्ति रस में रची नई रचनाओं से इस कलयुग में भक्ति भाव को बढ़ावा दीजिए, यही तो आपका कर्तव्य है। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो संत गोस्वामी तुलसीदास। जय श्री राम। इस घटना के पश्चात संत तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम की भक्ति पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया होगा। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उन्हें पग पग पर अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं, जिनमें से कुछ भक्त तो अपनी भक्ति की शक्ति से उन्हें पार कर लेते हैं, पर कुछ परीक्षाओं में उन्हें प्रभु का साथ चाहिए होता है और प्रभु ऐसे अवसर पर स्वयं आकर भक्तों का हाथ थामते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आगे चलकर जो वृंदावन में हुआ वो इसका उदाहरण था। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो ईश्वर भी उस पर विश्वास करने लगते हैं, तब हर संकट छोटा पड़ जाता है। आज बाढ़ में सब कुछ बहने वाला था, गोवर्धन गोपाल के चमत्कार से ही हमारी रक्षा हुई। ये चमत्कार तो प्रभु राम जी का ही है। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण भिन्न नहीं है, ये बात तुलसीदास जी उन्हें क्यों नहीं बता रहे। संभव है तुलसीदास जी उन्हीं के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे ये विवाद सुलझ सके।